इस खबर है कि सऊदी अरब जल्द ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बड़ा निवेश करने का ऐलान कर सकता है। अमेरिका को जवाब देने के लिए सऊदी अरब लगातार चीन के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। और अब खबर है कि दोनों की दोस्ती का दायरा पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट में निवेश पर राजी हुआ तो इसका असर भारत और सऊदी अरब के रिश्तों पर भी पड़ेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, इसीलिए भारत हमेशा से इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। दिसंबर में ही शी जिनपिंग सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। इसके अलावा लाखों करोड़ डॉलर के सौदों पर मोहर भी लगी थी। इधर भारत में बिना परीक्षा दिए विदेश की डिग्री पर प्रैक्टिस करने वाले 73 डॉक्टरों के खिलाफ CBI ने जांच शुरू कर दी। इस मामले में राज्य मेडिकल काउंसिल भी CBI के रडार पर आ गई। और CBI ने 2011 और 2012 में विदेश से पढ़ाई कर भारत लौटे 73 डॉक्टरों समेत 14 राज्यों की मेडिकल काउंसिल के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी। इन 73 डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस का स्क्रीनिंग टेस्ट दिए बगैर ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के चंदौली में 13,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब नष्ट कर दी गई। जिला अदालत के आदेश पर अवैध शराब नष्ट करने की कार्रवाई की गई और 13,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब की बोतलों पर रोड रोलर चलाया गया। पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसका आदेश जिला कोर्ट ने दिया था। अवैध शराब की इस खेप को पुलिस ने 114 मामलों में जब्त किया था। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें तेज धमाका होता दिखाई दिया। जेलेंस्की की सेना का दावा है कि उसने कामिकाजे ड्रोन से रूसी सेना के एक सैन्य ठिकाने को बर्बाद कर दिया। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में पुतिन की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जो वीडियो सामने आया उसमें रात के अंधेरे में तेज विस्फोट होता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। जैसे ही धमाका हुआ चारों तरफ रोशनी फैल गई। जेलेंस्की की सेना ने कामिकाजे ड्रोन से रूसी फौज के एक टैंक को भी तबाह करने का दावा किया और इसका भी एक वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया जिसमें वो ड्रोन उस टैंक का पीछा करता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा रूसी सैनिकों के भी होश उड़ गए। ड्रोन से बचने के लिए वो उस पर फायरिंग करते दिखे। जैसे जैसे ड्रोन उनके करीब पहुंचता गया वो फायरिंग की रफ्तार भी बढ़ाते गए, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार साबित हुई। ड्रोन टैंक के अंदर घुस गया जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन का दावा है कि इसी तरह से उसकी सेना कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल कर रूसी फौज पर कहर बरपा रही है। इधर दिल्ली के शाहदरा इलाके से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक शख्स ने एक कार का शीशा तोड़कर उसके अंदर से सामान चुरा लिया। चोरी की यह घटना रात के वक्त हुई। जब सड़क किनारे खड़ी कार के पास वो आरोपी दबे पांव पहुंचा और कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता दिखा। कुछ ही देर में उसने गाड़ी के दरवाजे का शीशा तोड़ दिया, फिर वो गाड़ी के अंदर घुसा और वहां से म्यूजिक सिस्टम समेत कई चीजें ले उड़ा। बताया गया कि इस मामले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ में एक झोपड़ी में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए, जिनमें एक महिला और 4 बच्चे शामिल हैं। क्योंकि झोपड़ी में आग रात के वक्त लगी, ऐसे में राहत कर्मियों के पहुंचने तक आग ने विकराल रूप ले लिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, हर कोई आग की ऊंची लपटों के सामने बेबस दिखा। 5 लोगों की मौत हुई है। बताया गया कि घर का चूल्हा आग की वजह बना, जिसकी चिंगारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। प्रशासन ने मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।